फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज चैप्टर 9 ऑफ क्लास 6, द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स। इस चैप्टर में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के हैबिटेट्स, यानी जो जगह पे वो रहते हैं, वो कैसी जगहों पे रहते हैं, उनके रहने के स्थान के बारे में, इस और लिविंग ऑर्गेनिज्म की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कि क्या होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग में क्या डिफरेंस होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे हमें एक स्टोरी दी गई है पहेली एंड बूझो की, कि पहेली और बूझो एक वैकेशन पे जाते हैं। तो वो कई सारी जगहों पे जाते हैं। एक ट्रिप में वो गंगा के पास जाते हैं ऋषिकेश में, जहाँ पे उन्हें माउंटेन्स दिखाई देते हैं हिमालय के पास, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। वहाँ पर वो डिफरेंट टाइप के ट्रीज़ को देखते हैं, जो यहाँ के हमारे जो मैदानी भाग है, जो प्लेन्स के ट्रीज़ होते हैं, उनकी ट्रीज़ से बहुत ही अलग है। जहाँ पर ओक और पाइन्स और देवदार, इन सारी चीज़ों की ट्रीज़ उनको दिखाई देते हैं। वेरी डिफरेंट फ्रॉम जो हम अपने आसपास देखते हैं प्लेन की, उनसे बहुत डिफरेंट है। फिर वो एक ट्रिप पे जाते हैं राजस्थान की, जहाँ पे उन्होंने कैमल्स को देखते हैं, और वहाँ पे देखते हैं कि वो बहुत जो डिजर्ट एरिया है, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, और वहाँ पे वाटर ही बहुत ज़्यादा कम है। वहाँ पे वो डिफरेंट काइंड का एक प्लांट देखते हैं, जिसका नाम है कैक्टस। फाइनली दे वेंट ऑन ट्रिप टू पुरी। उसके बाद वो पुरी में जाते हैं उड़ीसा, यानी वहाँ पे सी बीच, यानी नदी के किनारे, जो देखते हैं कि वहाँ पे कुछ दूसरे टाइप के कैसुरेना के ट्रीज पाए जाते हैं। व्हाइल रिकलेक्टिंग ऑल द फन दे हैड ऑन द दीज ट्रिप्स, थॉट स्ट्रक दम। तो ये सारी चीज़ें इन तीनों जगह की ट्रिप्स से उनके माइंड में एक थॉट स्ट्रक करता है कि दीज प्लेसेस वर सो डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। कि जैसे हमने राजस्थान में डिजर्ट देखा, हिमालय में पहाड़ देखे, उड़ीसा में हम समुद्र के किनारे थे, बीच पे कुछ बहुत ही ज़्यादा कोल्ड थे, कुछ बहुत ज़्यादा हॉट और ड्राई थे, और कुछ जगह ह्यूमिड था, यानी नमी थी। एंड एट ऑल देम हैड मैनी ऑर्गेनिज्म ऑफ वेरियस काइंड, बट इन सबकी जगह बहुत ही ज़्यादा के डिफरेंट डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिज्म थे। ऑर्गेनिज्म हम किसे कहते हैं, कि ऑर्गेनिज्म में हमारे क्या क्या आते हैं, कोई भी लिविंग बींग हो, जो लिविंग है, यानी कि लिविंग की क्या क्या करेक्टरिस्टिक होती है, जो रिप्रोड्यूस करें, यानी कि जो अपनी मतलब पॉपुलेशन बढ़े, और जो रेस्पायर करें यानी सांस लें, जो ग्रो करें, जो है जिनकी हाइट बढ़ती है जैसे हम लोगों की, इस तरह जो ग्रो करते हैं, जो मूव करते हैं, ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, अगर आपके पास आपने कोई ऐसा छोटा सा बैक्टीरिया देखा जो माइक्रोस्कोपिक है, जो इस डॉट से भी ज़्यादा छोटा है, जो हमें नेकेड आई से नहीं दिखता, और कोई बड़ा सा बड़ा कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि सबसे बड़ा मैमस जो होता है वो व्हेल होती है, तो व्हेल से लेके इस छोटे से डॉट से भी ज़्यादा छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म तक, जो सारे होते हैं, जो सारे रेस्पायर करते हैं, जो फूड लेते हैं, फूड खाते हैं, जिनको न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, जो एक्सक्रीट करते हैं, जो अपने वेस्ट प्रोडक्ट को निकालते हैं, उन सबको हम ऑर्गेनिज्म में कैटेगराइज रखते हैं। दे ट्राई टू थिंक प्लेस ऑन अर्थ वेयर दे फॉर्म मे नॉट बी लिव एनी लिविंग क्रिएचर। वो सोचना शुरू करते हैं कि क्या अर्थ पे कोई ऐसी भी प्लेस होगी जहाँ पे ये सारे लिविंग क्रिएचर्स ना पाए जाते हों। बूझो थॉट ऑफ प्लेस नियर हिज होम इन साइड द हाउस। ही ट्राइड द कपबोर्ड। ही हैड थॉट दैट देयर मे नॉट बी एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। वो सोचता है कि अपने घर के अंदर जो कपबोर्ड रखा हुआ, उस पर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, बट वो देखता है कि उस पर भी एक टाइनी स्पाइडर, यानी छोटा सा मकड़ी चढ़ी हुई होती है। आउटसाइड द होम टू देर आर डिड नॉट सीम एनी प्लेस। उसे आउट घर के बाहर भी ऐसी कोई भी प्लेस नहीं दिख पी जहाँ पे भी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ना हो। फिर यहाँ से हम चैप्टर पे अब स्टार्ट होते हैं रियल में। ये तो हमारा वेस्ट था। फिर यहाँ पे 9.1 से हमें बताना शुरू किया गया कि ऑर्गेनिज्म एंड द सराउंडिंग वेयर दे लिव, यानी ऑर्गेनिज्म के बारे में और उनकी सराउंडिंग, जहाँ आसपास का एरिया जहाँ पे वो रहते हैं। यहाँ पे हमें बताया गया कि माउंटेन पे हमें गोट्स और याक्स देखने को मिले, पुरी में हमें बीच के किनारे क्रैब्स देखने को मिले, फिश देखने को मिली जहाँ पे फिशरमैन उसे पकड़ रहा था, और एंड्स क्रिएचर्स लाइक द डिफरेंट लोकेशन, दीज काइंड ऑफ प्लांट फाउंड इन ऑफ दीज रीजन वर सो डिफरेंट फ्रॉम द प्लांट्स ऑफ द अदर रीजन। व्हाट अबाउट द सराउंडिंग इन दी डिफरेंट रीजन, वेयर दे द सेम। यहाँ पे फिर एक्टिविटी हम वन से हमें समझाने की कोशिश की गई है कि एक आप फॉरेस्ट में जाइए, और फिर डिजर्ट एरिया में जाइए, फिर आप माउंटेन की एरिया में जाइए, सी एरिया में जाइए, फिर वहाँ पे कलेक्ट कीजिए कौन सी टाइप की लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉरेस्ट में पाए गए, कौन कौन से माउंटेन्स में, कौन से डिजर्ट्स में, कौन से सी में, या फिर किसी और जगह पे। तो ये सारी कैटेगराइज करने के बाद यहाँ से चैप्टर हमारा स्टार्ट होता है कि हैबिटेट्स एंड एडेप्टेशन क्या होता है।
इन द सी आप देखते होंगे कि जब आप सी में, सी का जो वाटर होता है, समुद्र का पानी, वो सैलाइन होता है। सैलाइन मीन्स साल्टी होता है, खारा होता है। लेकिन बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट और एनिमल वहाँ पे भी पाए जाते हैं। देर इज़ लिटिल वेरी डिफरेंट लिटिल वाटर अवेलेबल इन द डिजर्ट। और डिजर्ट में आप देखते हैं कि बहुत ही कम ज़्यादा बहुत ही कम पानी होता है, फिर भी वहाँ पे जो है जो नाइट होती है बहुत ही ज़्यादा ठंडी होती है। और एनिमल्स एंड प्लांट्स जो है डिजर्ट पे भी होते हैं। और सी एंड द डिजर्ट आर वेरी डिफरेंट सराउंडिंग। और आप समुद्र के किनारे और डिजर्ट की बात करेंगे कि वहाँ के वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जो सराउंडिंग होती है, आसपास का एरिया होता है, वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होता है। लेकिन कैमल डिजर्ट में फिर भी रह लेता, क्योंकि जो कैमल होता है उसकी उसके जो लेग्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लॉन्ग होते हैं, ताकि उनके जो बॉडी होती है उस पर हीट ना जा पाए। और वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल अमाउंट में यूरिन देते हैं। और उनके जो डंग होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, बहुत ही ज़्यादा ड्राई होता है और सो स्वेट नहीं करते, यानी उन्हें पसीना नहीं होता। सिंस कैमल लूज़ वेरी लिटिल वाटर फ्रॉम देयर बॉडी, तो जो उनकी बॉडी होती है वो बहुत ही ज़्यादा कम वाटर जो है रिलीज़ करती है, जिससे वो बिना पानी के बहुत ही ज़्यादा दिन तक जीवित रह पाते हैं। लेट अस टू का डिफरेंट काइंड ऑफ फिश, सम ऑफ दीज आर सोन इन 9.3। आप ऐसे फिशेस की बात करें तो आपने चैप्टर 8 में पढ़ा था कि जो फिश की बॉडी होती है वो कैसी होती है, इस तरह से बनी हुई होती है जो फिश की, वो स्ट्रीम लाइंड होती है। क्यों? क्योंकि वो जो है वो अच्छे से स्विम कर सकें वाटर में। इस तरह से उनकी बॉडी भी इस तरह से अडाप्ट की गई होती है, इस तरह से बनाई होती है ताकि वो वाटर के अंदर सही से रह सकें। उनके पास गिल्स होते हैं जो कि उन्हें वाटर में जो ऑक्सीजन होता है उससे वो सांस ले पाती उन गिल्स के थ्रू। उनके बॉडी में कुछ फ्लैट फिन्स होते हैं इस तरीके से, ताकि वो किसी भी डायरेक्शन में ईजिली मुड़ सकें। और टेल्स होती हैं, तो ये सारी चीज़ें उन्हें क्यों प्रोवाइड की गई हैं, ये सारी ये फिन्स ये स्केल्स तो कैमल के भी बॉडी में हो सकते थे ना, बट उन्हें नहीं ज़रूरत थी, इसलिए उन्हें ये सारी चीज़ें गॉड ने नहीं प्रोवाइड की। बट हम जो फिश होते हैं वो वाटर के अंदर होती है, उन्हें गिल्स की, उन्हें स्केल्स की, उन्हें फिन्स की, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, इसलिए उन्हें गॉड ने प्रोवाइड किए हैं गिल्स। अब यहाँ पे था कि लिव इनसाइड द वाटर, फीचर्स ऑफ कैमल हेल्प टू डिजर्व। यहाँ पे जो कुछ फीचर्स थे जो कैमल के अंदर फीचर्स थे, उसकी लंबी लंबी टांगे थी जिसकी वजह से उसकी बॉडी पे हीट अफेक्ट नहीं करती थी। और जो उसका यूरिन था वो बहुत ही ज़्यादा कम लूज़ करता था, उसका डंग ड्राई होता था, वो स्वेट नहीं करते थे। बल्कि जो हम ह्यूमन बींग्स हैं वो स्वेट करते रहते हैं कॉन्टीन्यूसली, आप गर्मियों में देखते होंगे। तो हम डिजर्ट पे नहीं रह सकते, बट वो कैमल्स हम डिजर्ट पे रह लेते, क्योंकि उनकी बॉडी उस तरह से अडॉप्ट की गई है, उस तरह से बनी हुई है। इस तरह फिश की भी बॉडी उसी तरह से बनी हुई, ताकि वो वाटर में ईजिली आप ब्रीथ कर सके, अपने अपना न्यूट्रिएंट अपना फूड देख सके और मूव कर सके। वी हैव टेकन ओनली टू एग्जाम्पल्स फ्रॉम अ वेरी वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल्स। ऐसे बहुत ही, आप अगर जिराफ की बात करें तो उसकी गर्दन बहुत ही ज़्यादा लंबी होती है, क्योंकि उसे पेड़ों से पत्तियाँ तोड़ के खाने होती है, उसका फूड वही है, तो उसकी गर्दन इसलिए लंबी हुई है क्योंकि वो आसानी से अपना फूड ले सके। फ्रॉम अ वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट लिव ऑन, हमने यहाँ पे इतने सारे एग्जाम्पल्स लिए। इन ऑल दिस वैरायटी ऑफ ऑर्गन वी विल फाइंड दैट सर्टन फीचर्स दैट हेल्प टू लिव इन द सराउंडिंग इन विच दे आर नॉर्मली फाउंड। तो आपने इनसे क्या देखा कि कैमल, फिश या जिनके जिराफ, जिनके पास भी वो उनके पास वैसे फीचर्स थे, ताकि वो जो जिस जगह पर रहते वो आसपास की जगह पे वो रह पाए, अपनी सराउंडिंग्स को, उनकी सराउंडिंग्स जो उनकी आसपास की जगह थी उसको देख कर उन्हें वो फीचर गॉड ने प्रोवाइड किया है। अगर फिश के पास फिन्स ना होती तो वो कैसे ही मूव कर पाती। द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर और सर्टन हैबिट्स विच इनेबल द ऑर्गेनिज्म टू लिव इन एक्चुअली इन अ प्लेस इज कॉल्ड एडॉप्टेशन। इसी को हम बोलते हैं एडॉप्टेशन। एडॉप्टेशन को हम क्या हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुकूलन। एडॉप्टेशन को हम हिंदी में बोलते हैं अनुकूलन, यानी कि जो अपने आसपास अपने सराउंडिंग उसी के अनुकूल अपने आप को रख ले, उसे हम बोलते हैं एडॉप्टेशन। एडॉप्टेशन मीन्स अनुकूलन, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म के को वो फीचर प्रोवाइड करना, ताकि वो अपने नॉर्मली जिस जगह पे वो नेचुरली पाए जाते हैं उसकी सराउंडिंग में वो सर्वाइव कर सके, इसे बोलते हैं एडॉप्टेशन। एडॉप्टेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म डिफर डिपेंडिंग ऑन देयर प्लेस ऑफ ड्वेलिंग। दैट इज़ व्हाई फिश कैन नॉट लिव आउट वाटर एंड कैमल कैन नॉट लिव इन अ सी। ये एडॉप्टेशन ही है, जो अडॉप्टेशन है ऑर्गेनिज्म में, इसी वजह से जो कैमल होता है वो हमारा सी में नहीं रह सकता, और जो फिश है वो हमारा पानी के बाहर नहीं रह सकती, क्योंकि उनको गॉड ने उसी तरह का फीचर प्रोवाइड किया है। वो अपने जो नेचुरल उनकी जगह है, जो हैबिटेट है नेचुरल, जो उनका लिविंग प्लेस है, जो उनका घर है, वो उसमें ईजिली अपने आप को अडॉप्ट कर लेती हैं। उनको गॉड ने उस तरह का फीचर प्रोवाइड किया है।
फिर हैबिटाट क्या होता है कि द प्लेस वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव इज कॉल्ड हैबिटाट। हैबिटाट क्या है, जहाँ पे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वो उनका हैबिटाट। हैबिटेट मीन्स अ ड्वेलिंग प्लेस, अ होम। जैसे कि हम सब अपने घरों में रहते हैं तो ये हैबिटाट हो गया। इसी तरह और हॉर्स जो होता है वो स्टेबल में रहता है, मतलब जो भी जैसे सॉरी जो हमारा फिश होता है वो वाटर में रहती है तो उसका हैबिटेट वो हो गया, और हमारा लॉयन होता है वो फॉरेस्ट में रहता है उसका हैबिटेट वो हो गया, कैमल हमारा डिजर्ट पे रहता है। इसी तरह द हैबिटेट प्रोवाइड्स फूड वाटर एयर शेल्टर एंड अदर नीड्स टू ऑर्गेनिज्म। अब हैबिटेट आप अगर अपनी आप नेचुरली सोचिए कि आपको अगर घर लेना हो तो आप कैसी जगह पर लेंगे, जंगल में तो घर बनाएंगे नहीं, आप ऐसी जगह पर घर बनाएंगे जहाँ से आपको ईजिली आपको फूड मिल सके और क्या मिल सके, आपको जो रहने की जगह हो, शेल्टर हो वो अच्छा हो, और आसपास जो है मार्केट हो जहाँ पे आप खाने पीने की चीज़ आपको आसानी से मिल सके, जहाँ पे आपको वाटर अच्छे से मिल सके, एयर हो, एयर तो खैर सारी जगहों पे होगी, वाटर अगर अच्छे से मिल सके, जहाँ पे वाटर की कोई दिक्कत ना हो, ये सारी चीज़ें आप देख के अपना घर बनाएंगे ना। ठीक उसी तरह हैबिटेट क्या होता है, जहाँ पे फूड वाटर शेल्टर ये सारी क्या है उसकी बेसिक मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हैबिटेट की। सेवरल काइंड ऑफ प्लांट एंड एनिमल लिव इन द सेम हैबिटेट। द प्लांट एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन अ लैंड आर सेड टू लिव इन अ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। जो भी ए प्लांट या एनिमल जो है लैंड पे रहते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। जो लैंड पे रहें उन्हें टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। जैसे कि सम एग्जांपल ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स आर फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डिजर्ट, कोस्टल, माउंटेन रीजन। जो भी लैंड पे रहते हैं चाहे वो माउंटेन हो, चाहे फॉरेस्ट हो, चाहे ग्रासलैंड हो, है तो सब लैंड ही ना, तो जो भी इन सारी जगहों पे रहते हैं उन्हें हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। द हैबिटेट ऑफ प्लांट्स एंड अदर हैंड द हैबिटेट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन वाटर, और जो वाटर में रहते हैं उन्हें हम बोलते हैं एक्वेटिक। यानी कि एक्वेटिक हम किन्हें बोलते हैं, एक्वेटिक, एक्वा मीन्स ही होता है वाटर, एक्वा वर्ल्ड का मतलब ही होता है वाटर, तो एक्वेटिक में जो रहते हैं वो यानी कि जो वाटर में रहते हैं, और लैंड मीन्स जो टेरेस्ट्रियल है उसका मतलब होता है लैंड, जो हमारा टेरेस्ट्रियल है उस वर्ड का मतलब होता है लैंड, यानी कि जो टेरेस्ट्रियल एक हैबिटेट्स हैं मतलब वो लैंड पे रहते हैं, एक्वेटिक हैबिटेट्स का मतलब कि जो कि वाटर में रहते हैं। लेक, रिवर्स एंड ओशियंस आर सम एग्जांपल ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट। एक्वेटिक हैबिटेट में हमारे कौन कौन सी जगह आ गई, लेक आ गए, पॉन्ड, रिवर, ओशियन, ये सारी चीज़ें एक्वेटिक में आ गई। दीज आर लार्ज वेरिएशन एमंग टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स लाइक फॉरेस्ट, ग्रास लैंड, डिजर्ट, कोस्टल एंड माउंटेन एरिया लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। द ऑर्गेनिज्म बोथ प्लांट एंड एनिमल लिविंग इन अ हैबिटेट आर इट्स बायोटिक एंड कंपोनेंट। द नॉन लिविंग थिंग्स सच एज रॉक, सॉइल। अब देखो जो हैबिटेट्स होते हैं उनके दो कंपोनेंट्स होते हैं, हैबिटेट जो हैबिटेट होते हैं उनके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक बायोटिक हो गया हमारा और दूसरा कंपोनेंट हमारा होता है एबायोटिक। तो इस तरह दो तरह के कंपोनेंट होते हैं हैबिटेट्स के, एक बायोटिक कंपोनेंट, दूसरा हो गया हमारा एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट में क्या आते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स में प्लांट्स होने चाहिए, आसपास एनिमल्स होने चाहिए, ये सारे क्या हो गए बायोटिक कंपोनेंट। और जो एबायोटिक कंपोनेंट है उसमें हमें सॉइल की ज़रूरत है, उसमें हमें वाटर की ज़रूरत है, रॉक की ज़रूरत है, एयर की ज़रूरत है, ये सारे हैबिटेट के एबायोटिक कंपोनेंट हो गए। बायोटिक कंपोनेंट में क्या हुई है, ये हो गए वाटर, प्लांट एंड एनिमल। आप सोच रहे हो प्लांट और एनिमल की क्या ज़रूरत है हैबिटेट में, तो प्लांट से हमने पढ़ा था पिछले लास्ट क्लास में कि प्लांट पे ही हम फूड पे डिपेंड होते हैं, प्लांट से ही हमें फूड सारे मिलते हैं, और एनिमल्स पे भी काऊ हो गए, बफेलो हो गए, गोट हो गई, इन सारे एनिमल्स पे भी हमारा हमें कुछ फूड प्रोडक्ट्स मिलते हैं जिन पे हम डिपेंड होते हैं। तो हैबिटेट में दो कंपोनेंट होते हैं, एक बायोटिक और एक एबायोटिक। अबायोटिक कंपोनेंट में हमारा रॉक, सॉइल, एयर, वाटर, इन सारी चीज़ों की भी नीड होती है, वो आ गए। बायोटिक में हमारे आ गए प्लांट और एनिमल। वी नो दैट सम प्लांट ग्रो सही, लेट अस टुक एबायोटिक फैक्टर्स एंड देयर अफेक्ट्स ऑन द एज द ग्रोइंग प्लांट। एक्टिविटी टू में रिकॉल एक्टिविटी फाइव इन चैप्टर वन, बी मेड स्प्राउट्स फ्रॉम मूंग एंड चना दाल। व्हेन द सीड टर्न इनटू स्प्राउट इट इज सेड टू बी जर्मिनेटेड, दिस इज द बिगनिंग ऑफ लाइफ ऑफ न्यू प्लांट। आपने चैप्टर वन में एक एक्टिविटी की थी जिसमें आपने चने दाल को और मूंग की दाल को भिगो के कपड़े में बांध के रखा था, फिर उसमें वैसे स्प्राउट्स निकल आए थे। तो जब स्प्राउट्स निकल आए थे तो हम उसी चने की दाल और मूंग की दाल को क्या बोले थे कि वो जर्मिनेट कर गए, यानी कि जर्मिनेशन स्टार्ट हो गया। तो ये किसी भी लाइफ जब स्टार्ट हुई तो उसका बिगनिंग, पहला प्लांट का क्या था, पहली शुरुआत थी वो नए प्लांट की,
निकलने की। कलेक्ट सम ड्राई मूंग सीड, कीप 23 सीड असाइड, सोक द रेस्ट। आपको कुछ ऐसे ही मूंग के सीड और को लेना है और कुछ को ऐसा बगल में रख देना, कुछ को सोक कर देना, पानी में भिगो देना। डिवाइड द सोक सीड्स इनटू 4 पार्ट्स, कीप 1 पार्ट कम्प्लीटली सबमर्ज फॉर 3-4 डेज। आपको जो सोक्ड सीड है उसके भी 4 पार्ट करने हैं और एक पार्ट को उसे 3-4 दिनों के लिए पानी में पूरा डुबो के रखना है। डू नॉट डिस्टर्ब द ड्राई सीड एंड दोस सबमर्ज इन वाटर। कीप 1 पार्ट ऑफ सोक सीड्स इन सनी रूम एंड द अदर इन कम्प्लीटली डार्क रीजन लाइक अ कपबोर्ड दैट डजंट अलाउ एनी लाइट टू कम। आपको कुछ जो आपने सोक किया है सीड, उसके कुछ पार्ट को आपको सनलाइट में रखना है और कुछ को एकदम अंधेरे में रखना है। कीप द लास्ट पार्ट इन वेरी कोल्ड सराउंडिंग, से इन द रेफ्रिजरेटर और विथ आइस अराउंड देम। रिंस देम एंड रिप्लेस द वाटर एवरी डे। What do you notice after a few days? Do the seeds in all the 5 conditions germinated uniformly? अब आपको बोला गया है कि आपने जो सीड सोक किया था, जिसको सनलाइट में रखा था, जिसको अंधेरे में रखा था और जिसको आपने सोक नहीं किया था, यानी आपने भिगोया ही नहीं था, ड्राई रखा था, क्या इन सारी सीड्स में जर्मिनेशन हुए हैं या फिर एक ही टाइप के जर्मिनेशन हुए हैं सब में अच्छे से? डू यू रियलाइज दैट एबायोटिक फैक्टर्स लाइक एयर, वाटर, लाइट एंड हीट आर इम्पॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। तो आपको क्या पता चला कि जो प्लांट आपने सोक किया था, जिस मूंग की दाल को आपने सोक किया था यानी पानी में डुबो के और सनलाइट में रखा था, वो प्लांट क्या हुआ, ग्रो कर गया, उसमें जर्मिनेशन हुई, उसमें प्लांट ग्रो किया। बट जो उसमें आपने अंधेरे में रखा था और वाटर दिया था वो भी नहीं ग्रो किया, और जिसको आपने सूखा रखा था वो भी नहीं ग्रो किया, क्योंकि जिसको आपने ड्राई रखा था उसके पास वाटर नहीं था, और जिसको आपने भिगो के अंधेरे में रख दिया था उसके पास सनलाइट नहीं थी और उसके पास एयर भी नहीं थी। लाइक कपबोर्ड में आप रख देंगे तो कपबोर्ड में आपको एयर भी नहीं जाएगी, तो ये सारी चीज़ें। बट जिसको आपने सोक करके सनलाइट में रखा था उसको आपने वाटर भी दिया था, उसको आपने सनलाइट भी दिया था, उसको आपने एयर भी प्रोवाइड की थी, इस वजह से वो प्लांट ग्रो कर गया। तो प्लांट को इस तरह से हमें पता चलता है कि जो अबायोटिक फैक्टर्स होते हैं हैबिटेट्स के, वो कितने इंपॉर्टेंट हैं। एयर, वाटर, लाइट एंड हीट, ये सारी चीज़ें हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। अगर ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तो प्लांट भी हमारा ग्रो नहीं करेगा, और अगर प्लांट भी नहीं ग्रो करेगा तो हम तो किसी भी कीमत पे इस अर्थ पे नहीं होंगे, क्योंकि हमारा तो सब कुछ प्लांट पे ही डिपेंड करता है। हमारा फूड, हम रेस्पायर करते हैं, हम फूड प्रोडक्ट, सारी चीज़ें। डू यू रियलाइज दैट अबायोटिक फैक्टर्स लाइक एयर, वाटर, लाइट एंड हीट आर इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। इनफैक्ट अबायोटिक फैक्टर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये बायोटिक फैक्टर्स से प्लांट के लिए बल्कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जरूरी होते हैं। वी फाइंड दैट ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट इन वेरी कोल्ड एज वेल एज वेरी हॉट क्लाइमेट्स, इजंट इट? हाउ डू दे मैनेज टू सर्वाइव? एडॉप्टेशन इज द मेथड बाय व्हिच ऑर्गेनिज्म आर गेट वेल एडजस्टेड टू द क्लाइमेट। Adaptation does not take place in short time because the abiotic factors of a region also change very slowly. तो जो adaptation होता है वो बहुत ही short time में होने वाला चीज़ नहीं है, change होने वाला वो, क्योंकि जो abiotic factors होते हैं, जो air होती है, जो sunlight होती है, वो भी किसी बहुत ही ज़्यादा slowly change होती है। Those organism which cannot adapt to this change die and only the adopted ones survive. तो आप अगर adaptation, जो भी organism adaptation कर लेते हैं वो उस atmosphere में सर्वाइव कर पाते हैं, अगर नहीं अडॉप्ट कर पाते हैं तो नहीं सर्वाइव कर पाते। जैसे अगर आप अभी प्लेन एरियाज में रह रहे हैं यूपी एमपी के, आपको अगर डिजर्ट पे ले जाके रख दिया जाए, आपको डिजर्ट पे छोड़ाया जाए, फिर वहाँ पे क्योंकि वहाँ पे हॉट, बहुत ही ज़्यादा हॉट होता, हॉटनेस होती है, मतलब हॉट होता है, हीट होती है वहाँ पे, और वाटर की बहुत ही ज़्यादा शॉर्टेज होती है। अगर आप वहाँ पे आपकी बॉडी अडॉप्ट नहीं कर पाई, अगर आपने इतनी जो गर्मी है उसको नहीं आपकी बॉडी झेल पाई आपकी, और आपको वाटर भी उतने वाटर में भी आपका काम ना चला, तो आप क्या कर जाएंगे, आप मर जाएंगे। अगर कोई भी ह्यूमन बींग होगा वो मर जाएगा। बट अगर आपकी बॉडी अडॉप्ट कर जाती है, उतनी हीट आप झेल जाती है, तो आप वहाँ पे सरवाइव कर पाएंगे। ठीक, यही काम है अडॉप्टेशन का। ऑर्गेनिज्म अडॉप्ट टू डिफरेंट अबायोटिक फैक्टर इन डिफरेंट बेस, दिस रिजल्ट इन वाइल्ड वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट हैबिटेट्स। ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिफरेंट अबायोटिक फैक्टर्स पे डिफरेंट तरह से अडॉप्ट करते हैं, इसीलिए जो डिफरेंट बहुत ही तरह टाइप के हैबिटेट है जिसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रहते हैं। जैसे कि हमारा जो कैमल है वो हमारा वाटर के अंदर नहीं रह सकता, क्योंकि उसके बॉडी में वो सारे फीचर्स नहीं है, वो जो एक जो वाटर के अंदर का हैबिटेट है उसे वो नहीं झेल सकता, उसमें वो अडॉप्ट नहीं कर सकता। बट जो हमारी फिश होती है वो हमारे वाटर के अंदर रह लेती, वो पानी से बाहर नहीं रह पाती है। ये होती है अडॉप्टेशन।
लोकेशन और हैबिटाट होता है, जो जिस जगह पे जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं उसे हम बोलते हैं हैबिटाट। हैबिटाट के दो टाइप होते हैं, एक टेरेस्ट्रियल हैबिटाट, दूसरा हो गया हमारा एक्वेटिक हैबिटाट। हैबिटाट के दो टाइप होते हैं, एक टेरेस्ट्रियल एक एक्वेटिक। एक्वेटिक मीन्स जो पानी के अंदर, और टेरेस्ट्रियल मीन्स लैंड में। टेरेस्ट्रियल में क्या क्या आते हैं हमारे, माउंटेन्स हो गए, ग्रासलैंड हो गए, फॉरेस्ट हो गया, ये सारी चीज़ें। एक्वेटिक में आ गई हमारे रिवर आ गया, हमारा पॉन्ड आ गया, हमारा लेक आ गया, हमारा सी आ गया, ये सारी चीज़ें। फिर हैबिटाट के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक बायोटिक कंपोनेंट होता है, एक अबायोटिक कंपोनेंट होता है। बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या क्या आते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स में हमारे आ गए प्लांट्स या फिर एनिमल्स, यानी कि जो चीज़ लिविंग है, प्लांट है एनिमल्स। और अबायोटिक में क्या आ गए, एयर आ गई हमारी, वाटर आ गया, रॉक आ गया, ये सारी चीज़ें आ गई। फिर आगे का चैप्टर का हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको चैप्टर